हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब, कमेंट डाउन बिलो। सो आज मैं आई हूँ FRI, जी हाँ, जिसे कहते हैं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये करीब 6 किलोमीटर दूरी पर है रेलवे स्टेशन से, और ये चक्राता रोड पे सिचुएटेड है, और देख सकते हो मेन बिल्डिंग के पास मैं खड़ी हूँ FRI की। और गाइस, अगर आपको FRI आना है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैं बताती हूँ आप कैसे आ सकते हो FRI। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। FRI का वेबसाइट है, तो वहाँ पे आप जा सकते हो। और अगर आप ऐसे घूमने के लिए आ रहे हो तो आपको 10 रुपीज़ लगेंगे। अगर कैमरे के साथ आप फिल्म करने आ रहे हो या वीडियो बनाने आ रहे हो तो आपको 100 रुपीज़ लगेंगे। और कार पार्किंग या स्कूटी आ रहे हो तो कार का आपको 30 रुपीज़ लगेंगे। तो इस तरह से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, आप ऑनलाइन कर ले डेट फिक्स करके और आप अंदर आ सकते हो FRI के। तो आप चलिए एक्सप्लोर करते हैं FRI कैसा है, चलिए देखते हैं। आओ, केयर का जहाँ शूटिंग हुआ था, ये रहा मेन गेट, और मैं दिखाती हूँ आपको, ऊपर मंकी है। ओह ओह गॉड, मुझे मार ना दे। सो इसके अंदर FRI है और मेन बिल्डिंग है जहाँ स्टूडेंट ऑफ द ईयर की शूटिंग हुई थी। सो गाइस, ये रहा, चलो इसके अंदर चलते हैं, लेट्स गो। सो गाइस, यहाँ पे अगर आपके पास स्कूटी है, कार वगैरह है, तो आप यहाँ पे भी पार्क कर सकते हैं और आगे भी आपको पार्किंग मिल जाएगी। तो गाइस, अभी मैंने अपने कार पार्क की है यहाँ पे, आप देख सकते हैं पार्किंग एरिया। तो आप यहाँ पे कार पार्क कर सकते हो, और इसके बगल में जस्ट कैंटीन भी है, कैंटीन के बगल में। तो कैंटीन के बगल में आपको पार्किंग मिलेगी। अगर आप सुबह कुछ खा के नहीं आए, जैसे आज मैं कुछ खा कर नहीं आई हूँ, तो आप यहाँ पे खा सकते हो। कैंटीन भी है उधर, स्टॉल वगैरह भी आपको नॉर्मली मिल जाएगी। तो या तो मैं भूखी हूँ, तो सोचा मैं थोड़ा कुछ खाऊंगी पीऊंगी, लेकिन थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद। तो आपको खाने पीने की भी कोई टेंशन नहीं है, आके आप खा पी सकते हो। सो चलो एक्सप्लोर करते हैं गाइस। ये तो शायद हमें इसके अंदर से जाना होगा, मेरा भी पहली बार है। और इस टाइप से आपको 3-4 मिल जाएंगे, तो आप ऐसे जाओगे अंदर तो कहीं ना कहीं निकल जाओगे। चलो देखते हैं कहाँ निकलते हैं हम। आइए, चल रही थी और हम घुसे अंदर, फिर उन्होंने कहा कि आप इधर से नहीं आ सकते हो, तो हमें दोबारा कोई टनल में जाना पड़ा। और बहुत अच्छा लगा शूटिंग देख के, पता नहीं था यहाँ शूटिंग भी हो रही है। तो देखते हैं, हम जा रहे हैं मेन बिल्डिंग में। आई एम सो एक्साइटेड, लेट्स गो। सो गाइस, एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मुझे लिखा म्यूजियम, देख सकते हो, और पर यहाँ मंदिर नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ कैमरा अलाउड नहीं है। तो नहीं देख सकते, ये बैड लक, आगे बढ़ते हैं, आओ आप लोग। और ये देख सकते हो इस साइड पार्क वगैरह है, लोग बैठे हैं। ऐसा लग रहा है आके ना कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 की शूटिंग जो हुई थी, वो ताज़ा फील हो रहा है कि सेम बिल्डिंग है। आप देख सकते हो ये बिल्डिंग स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में भी थी, और ऐसा लग रहा है कि सच में मैं वो प्लेस दोबारा आई हूँ, और ऐसा लग रहा है कि मेरी भी शूटिंग चल रही है इस टाइप से। सो बहुत प्यारी जगह है FRI, आप सब भी आओ, उससे पहले रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराओ। और बहुत ज़्यादा चटक धूप है यहाँ, सब थोड़ा धूप की वजह से परेशान हो रहे हैं, क्योंकि अब गर्मियाँ आ रही है, देहरादून में भी बहुत गर्मी हो रही है। सो यहाँ चलो थोड़ी बहुत हवा आती है तो इन्जॉय कर लेते हैं हम, इस तरह से आप भी इंजॉय कर सकते हो। सो गाइस, जरूर आओ यहाँ पे और इंजॉय भी करो, ऐसे 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 जैसे भी आपका मन करे। तो गाइस, बस मैं यहाँ धूप में बैठी हूँ FRI के बगल में, और आज बहुत ही ज़्यादा चटक धूप है, तो थोड़ी हालत ख़राब हो रही है। और ये गार्ड भैया यहाँ बैठे हैं, वो कह रहे हैं मुझे कैमरे में मत लेना। तो भैया, कैसा लगता है यहाँ काम करके? बहुत अच्छा लगता है। वही मैं सोचती हूँ कि जो यहाँ काम करते हैं उनको कैसा फील होता होगा, कितना अच्छा लगता होगा। तो आप कुछ बताना चाहोगे? बहुत हालत ख़राब होती है इधर, पर अभी गर्मी में आई है ना, ठंडियों में तो मज़ा आता होगा धूप सेकने में। कितने साल से भैया काम कर रहे हैं यहाँ पे? डेढ़ साल।
अच्छा आप चेहरा दिखा दो अपना। नहीं। मास्क कंपलसरी है, मैंने अभी पहन नहीं रखा है। चलो सही है, अच्छा लगा आपसे बात करके भैया। तो गाइस देख सकते हो इधर ये मेन बिल्डिंग के आगे गार्डन वगैरह है और उधर फ्लैग वगैरह है, तो आइए दिखाती हूँ मैं। ये देखो मेन बिल्डिंग के आगे गार्डन टाइप बना हुआ है और ऊपर फ्लैग है, पिंक येलो ब्लू ब्लू इस टाइप से फ्लैग वगैरह लगे हैं जो बहुत खूबसूरत है, और फ्लावर्स वगैरह जो इसकी ब्यूटी को बढ़ाता है। गाइस ये एफआरआई की मेन बिल्डिंग है जिसका आर्किटेक्चर बहुत फेमस है, और मैं यहाँ भी थोड़ी देर बैठी हूँ छाँव में, और आज देहरादून में बहुत ही गर्मी है, चटक वाली गर्मी है। सो गर्ल्स सनस्क्रीन लगा के आना। तो अभी मैं आप देखती हूँ, फिर आगे बढ़ूँगी थोड़ा, और देख सकते हो क्राउड है इधर, पार्क भी है। ऐसे एफआरआई बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप यहाँ पे पैदल नहीं जा सकते हो, और इसलिए आप बाईसाइकिल से जा सकते हो या कार लेकर आए अंदर और रजिस्ट्रेशन करा ले आप जिससे आ रहे हो, टू व्हीलर फोर व्हीलर। और आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा बड़ा है तो इतना घूमना चलना बहुत मुश्किल है। सो इसके लिए यहाँ पे कैंटीन वगैरह भी है कि आप थक जा रहे हो तो कुछ खा पी सकते हो। और इतनी गर्मी में ना गाइस मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई है ना, इतनी हालत ख़राब, मैं अच्छे से मतलब सोचा कि यार चलो अच्छे से जाती हूँ मेकअप वगैरह करके, बट इतनी गर्मी है यहाँ पे। और देख सकते हो हमारे साथ आज भैया भी आए हैं, आनंद भैया। हेलो भैया। हेलो। कुछ बताना चाहोगे कैसा लग रहा है एफआरआई? हाँ ये बहुत अच्छा है, एफआरआई जो है फॉरेन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, व्यू बहुत अच्छा है, आप फैमिली के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे आ सकते हो। और मेन चीज़ यहाँ का जो आर्किटेक्ट है वो बहुत ही खूबसूरत है, बिल्डिंग बहुत विशाल बिल्डिंग है और मुझे जगह बहुत अच्छी लगती है। और गाइस बस एक प्रॉब्लम है, म्यूजियम में हम बस कैमरा लेके नहीं जा सकते, ऑब्वियसली म्यूजियम में थोड़ा अलाउ नहीं होता है, वरना वो भी दिखाती है, वो भी बहुत प्यारा है यहाँ का। सो यहाँ अभी देखते हैं आगे हम क्या देख सकते हैं।